हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल गोरखपुर गर्ल गौसिया सुम्बुल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो व्यूवर्स, मैं एक महीने से वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मैं बिज़ी थी। तो अब मैं आपको प्रॉपर हर दिन वीडियो दूँगी। तो ये मेरा मॉर्निंग का डे है। आपको यहाँ पर बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे से हैं। तो व्यूवर्स, मेरी वीडियो को एंजॉय करिए और अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए। तो फिर मैं दोपहर में एडी मॉल गई थी, वहाँ से मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी। तो देखिए ये इयर रिंग्स कितने प्यारे प्यारे से मिल रहे हैं। तो व्यूवर्स, मैंने शॉपिंग कर ली है और मैं अब घर वापस जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, मैंने घर आकर चिकन स्टू बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और मेरी मम्मी ने मॉर्निंग में कीमा आलू बनाया था जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। और थोड़ा सा कड़ी पकौड़ी भी बच गई थी, ये भी बहुत ही टेस्टी लग रहा था। तो व्यूवर्स, आपको मैं आला हज़रत उर्स बरेली शरीफ का वीडियो दिखाती हूँ।
शान इस्लाम तवज्जो दे। नुस्खे तफ़सीर को मैं जान गया, उसको सब मान गए, आपको जो मान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान गया। मेरी ही पढ़ना मकसूद था, वो याद कर ले, छेड़ दे गया। जिंदगी में तो उन्हें जान ना पाए, लेकिन जब मेरी जान गई मैं भी उन्हें जान। खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी ब्राह्मण को सुल्तान गया। खुद को सुन्नी भी कहे मेल मुनाफिक से रखे, यानी ब्राह्मण को संभाला तो मुहतरम हजरात, हमारी बहुत सी बच्चियां इसकी शिकार हो चुकी हैं। आखिरकार इस दरवाजे को बंद किस तरह से किया जा सकता है, इस दरवाजे में किस तरीके से ताला लगाया जा सकता है, जो मेरी नाकिस सोच और मेरे नाकिस दिमाग में आ सका। मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने उसे पेश कर दूं। सबसे पहली बात, आप उससे रजी के इस प्रोग्राम से, उससे हजी के इस 104 दिवस से यह पैगाम लेकर के जाए कि जहां अपने बच्चों को, अपने लड़कों को, अपने बेटों को आप इल्मे दीन से आरास्ता परास्ता मुजयन करते हैं, इल्मे दीन की अहमियत से उनको आशना करते हैं, वही अपनी बच्चियों को भी सही तरीके से उनके दिल सिखाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, ताकि वो समझ सकें कि मजहब इस्लाम की चाशनी क्या है, मजहब इस्लाम का मिठास क्या है, मजहब इस्लाम में रहने का फायदा क्या है, मजहब इस्लाम के अमल करने से हमारी जिंदगी किस तरीके से जो है ताबनाक और रोशन हो जाएगी, किस तरीके से हमारी जिंदगी में चार चांद बन जाए। हमने अपनी बच्चियों को इल्मे दीन सही तरीके से सिखाया नहीं, और इल्मे दीन सिखाने के लिए मैं ये नहीं कहता कि आप कहीं भेजो, आप घर में रहकर भी अपनी बच्चियों को इल्मे दीन उनकी जरूरत के मुताबिक सिखा सकते हैं। जरूरी है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को इल्मे दीन के हवाले से जरूर आशना करें, ताकि तुम्हारी बच्चियां समझ लें कि इस्लाम ने हमारे लिए कौन सा रास्ता और कौन सा रूट बताया है, हमारा रूट कहाँ तक है, उस पर चलेंगे तो सही कहलाएंगी, उस रूट से हटेंगी तो हम तबाह और बर्बाद हो जाए। अच्छा दीन अपनी बच्चियों को कूट कूट के दे दो, इसलिए कि अगर लड़का इल्मे दीन हासिल करे तो घर की तहदीस तक दीन पहुंच जाता है, और अगर बच्चे इल्मे दीन हासिल कर ले तो नस्ल तक दीन पहुंच जाता है। बेशक एक बात हो गई, अपनी बच्चियों को दीन के हवाले से जरूर बताएं। दूसरी बात, तवज्जो से सुनना मेरे ये जुमले और इस पर अमल करने की कोशिश करना। दूसरा जुमला, दूसरी बात यह है कि अपनी बच्चियों की वक्त से शादी ना कर दो। जब बच्चियां जवान हो जाए तो फिर ये ना सोचो कि इसको ये कोर्स करा लू, वो कोर्स करा लू, इतना लंबा कोर्स, उतना लंबा कोर्स। अगर बच्चियां जवान हो जाए तो फिर शरीयत भी यही कहती है और कानून